नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राज टेक्निकल में। दोस्तों आज हम इस तरह से एक पीवीसी पाइप का ब्लूटूथ बनाने वाले हैं, ब्लूटूथ स्पीकर जो कि इस तरह से बनेगा। यह रिचार्जेबल होगा और 5 आवर्स तक इसका बैटरी बैकअप होगा। इसके अंदर एक स्विच है, 2 इंडिकेटर है, एक ऑन होने का, दूसरा चार्जिंग का है। इस तरह से यह बनेगा और बाकी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के और आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों इस तरह से यह एक PM8403 IC लेंगे और टोटल कनेक्शन इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से एक ब्लूटूथ चिप लेंगे, और एक 2-in-1 टेप लेकर के इनको आपस में इस तरह से चिपका लेंगे। अभी बारी आती है इनके कनेक्शन की, तो वायरिंग में दे रखे हैं मैंने कनेक्शन इनके, बाकी लाइव देख लो आप। इस तरह से इनके कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हम 2 लिथियम बैटरी लेंगे इस तरह से सेल, और इस तरह का एक BMS लेंगे जिससे हमारी बैटरी को प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। इसके अंदर हम जिस तरह से इसमें लिखे हुए हैं उस तरह से हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। पॉजिटिव का पॉजिटिव में रेड वायर और नेगेटिव में ब्लैक वायर, और उसी के अनुसार इसके अंदर बैटरी के साथ भी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे वायर देख कर कनेक्ट करें, वरना BMS जल सकता है। और उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे ताकि यह इधर उधर हिले डुले नहीं। उसके बाद इस तरह से ऑडियो बोर्ड के साथ कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से स्पीकर के वायर पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर लिखे हुए हैं, वैसे समझ जाओगे आप अगर इसमें देखोगे तो। इसमें पूरे इंडिकेट रहते हैं, और इस तरह से यह बैटरी का कनेक्शन कर देंगे, ग्राउंड का और पॉजिटिव का, वो भी इस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट और ग्राउंड। और इस तरह से एक इंडिकेटर के लिए हम 4007 डायोड का यूज़ करेंगे जिससे ऑन चार्जिंग ऑन होते ही इंडिकेटर जले। इस तरह से इसके सारे कनेक्शन हो जाते हैं। अभी इसके लगभग कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी वायर को हम सोल्डरिंग कर रहे हैं अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर आउटपुट सही से नहीं मिलेगा, चार्जिंग सही से नहीं होगा और लूज रहेगा तो स्पार्किंग करता रहेगा। इसके बाद हम इस तरह से एक PVC पाइप का टुकड़ा लेंगे जिसको हम इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे स्विच हो गया, चार्जिंग सॉकेट हो गया, इंडिकेटर हो गया, इस तरह से तो ऐड करना है। तो बाकी जो कनेक्शन किया है उसको इस तरह से इसमें फिट कर लेंगे, और यह चार्जिंग सॉकेट इसमें फिट कर लेंगे 5 वोल्ट का, जिससे स्पीकर चार्जिंग होगा और आउटपुट देगा। यह स्विच है, इस तरह से ऑन होगा तो यह लाइट जलेगी, एक इंडिकेट होगा ताकि हमें पता चले कि स्पीकर ऑन है या ऑफ है। अब इस तरह से 2 छोटे स्पीकर लेंगे। इस तरह से दोनों स्पीकरों को के ऊपर इस तरह से कैप लगा लेंगे ताकि उसमें फिट करते टाइम अच्छे से फिट हो जाए और देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और दोनों स्पीकर के वायर कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें
ताकि इस तरह के आने वाले और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो इस तरह से दोस्तों इनको हम इसमें सेट कर लेंगे और यह हमारा स्पीकर तैयार हो गया है इस तरह से। अभी इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we speak it true. Cause when it lit like comes, I still blue, comes, I still blue. Could I feel it again? I just don't know. And I'm